हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम बात करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पैनासोनिक की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, जो कि आती है 8 kg की कैपेसिटी के साथ और उसमें आपको मिलता है बिल्ट इन हीटर। तो पैनासोनिक ने इस नए मॉडल के अंदर क्या क्या आपको नया दिया है, 2022 के अंदर क्या आपको नया मिल रहा है, उसकी हम एक एक करके बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो इस वॉशिंग मशीन की हम आगे डिटेल में और रिव्यू करते हैं, इसकी लुक कैसी है, फर्स्ट लुक कैसी है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा जो कि इसको काफ़ी अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वॉशिंग मशीन के बारे में जानते हैं, RL सिरसवाल को। वैसे तो वो एक मोटो व्लॉगर है पर वो इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं RL सिरसवाल के साथ। ये वॉशिंग मशीन जो है अभी सतीश भाई ने आप लोगों को दिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लुक की बात करेंगे। जो लुक की बात है, एक तो ये सारी वॉशिंग मशीन स्टेनलेस स्टील आती है, जितनी भी इसकी बॉडी साइड से दे रखी है, फ्रंट से दे रखी है, टोटली स्टेनलेस स्टील आती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और डिज़ाइन की अगर जो बात करें, पैनासोनिक बिल्कुल कॉम्पैक्ट वॉशिंग मशीन बनाता है एज़ कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिशन में कोई भी ब्रांड हो जाए। अब मैंने कॉम्पैक्ट क्यों कहा, क्योंकि 8 kg की वॉशिंग मशीन अगर जो आप अदर किसी भी ब्रांड से कंपैरिजन करते हो तो बहुत सा बल्की होती है यार ये। तो इसमें बल्की कहाँ से आप पता लगा सकते हो, देखो यहाँ पे देखो, ये साइड वॉल है और ये इसका टब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बट अगर जो इसके कॉम्पिटिशन की बात करो तो यहाँ पर ये टब है और इतनी बल्की होती है दोनों तरफ से, चारों तरफ से इतनी बल्की होती है वॉशिंग मशीन। जिसमें आजकल क्या है कि यार मेट्रो सिटीज़ के अंदर फ्लैट बहुत छोटे हैं, रूम्स वगैरह बहुत छोटे हैं, तो उसमें इस मशीन को कैरी करना रखना बड़ा इजी हो जाता है। एक तो इसका कॉम्पैक्ट मशीन का हमारे को ये बेनिफिट है, प्लस यहाँ पे इसका जो यूज़र इंटरफेस है या फिर जितना भी इसका जो है यूज़ करने के लिए बटन, सम सिंपल भाषा में अगर जो मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसका टॉप पे दे रखा है, तभी इसको बैक पैनल बोला जाता है वॉशिंग मशीन को। तो बैक पैनल का बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलता है भाई, बैक पैनल का बेनिफिट मेन होता है कि यहाँ पे बाय चांस आप कई बार क्या करते हैं, कस्टमर क्या करता है कि मैनुअल मशीन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ओनली जैसे सिंपल मशीनें आती थी सेमी ऑटोमेटिक, एक तरफ धोया दूसरी तरफ सुखाया, तो उसमें अगर जो आप इसको मैनुअली भी प्रोग्राम करना चाहो तो मैनुअली भी प्रोग्राम कर सकते हो, ओनली वॉश करके आपका पानी यहीं पे रोक देगी, उसमें और कपड़े धो सकते हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम आता था, जब भी यहाँ से कपड़े आप निकालते थे जिसका पैनल जो है फ्रंट पे है तो पैनल के ऊपर पानी जाता था, धूप और पानी की वजह से पैनल ख़राब हो जाता था। तो इसी वजह से पैनासोनिक ने जो है इसमें टॉप पे दे रखा है सारा का सारा पैनल, ये बेनिफिट आपको इस बैक पैनल का मिल जाता है। यहाँ पे और बेनिफिट आपको क्या मिलता है, यहाँ सॉफ्ट डोर क्लोजिंग मिल जाती है आपको, ये जो डोर है वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से नीचे आएगा कि नॉर्मल मशीनों के अंदर, जैसे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जैसे यहाँ से छोड़ते हो ठक से यहाँ बचता है, जिसमें ये ग्लास है या फिर मशीन के जो हिंज लगी होती हैं ये डैमेज होने का खतरा रहता है आप लोगों को, बट इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तभी मैंने आपको बोला ये ड्यूरेबल है मशीन बॉडी लाइन दिखाने से पहले जब मैंने आप लोगों को बोला था। और क्या खासियत है इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर आप लोगों को जो है यहाँ पे वॉशिंग क्वालिटी और इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे फीचर्स एडवांस मिल जाते हैं आपको। सबसे पहला फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाता है एक्टिव फोम सिस्टम, जो कि किसी भी मशीन के अंदर नहीं आता। एक्टिव फोम सिस्टम होता क्या है, फोम मतलब झाग बनाना, सिंपल सा हमारे दिमाग के अंदर ये क्लिक करता है यार। तो झाग एक्टिव फोम सिस्टम, उसका लॉजिक क्या है, नॉर्मल कोई भी मशीन आप लोग देखते हो तो यहाँ पे डिटर्जेंट डालने का ऑप्शन दे रखा होता है, बट यहाँ से जो डिटर्जेंट जाएगा वो पानी के थ्रू ही, क्योंकि पानी यहीं के इसी के थ्रू ही आता है, पानी आएगा डिटर्जेंट घुलेगा इसके नीचे आएगा, लेकिन डिटर्जेंट के अंदर फिर भी जो है डलियाँ वगैरह रह जाती हैं। बट अगर जो आप थोड़ा सा और मैला कपड़ा धो रहे हो तो एक्टिव फोम सिस्टम, आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक्टिव फोम सिस्टम बेसिकली ये है मशीन के अंदर, यहाँ पे 2 चम्मच आप सर्फ डालोगे, इसको बंद करोगे, ये डक्ट है जो कि सीधा पल्सेटर के नीचे जाती है। पल्सेटर के नीचे जाने का बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलता है,
जब मशीन पल्सेटर जो घुमाता है ऐसे ऐसे क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, जो सरफेस के नीचे जा रहा होता है और वो पानी के साथ मिक्स होके बढ़िया तरीके से घुल जाता है, जिसमें जो फोम है, झाग है, वो ज़्यादा बनता है और कम सर्फ के अंदर आपको बढ़िया धुलाई मिल जाती है। सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है एक्टिव फोम सिस्टम का आपको ये मिल जाता है। प्लस जो है इस मशीन के अंदर, टब के अंदर बहुत सारी एडवांटेज छुपी हुई हैं जो कि आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ फॉल्स वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल जाते हैं, नंबर ऑफ़ फॉल्स ज़्यादा मिलने का बेनिफिट क्या है कि स्पिन अच्छे तरीके से हो जाता है कपड़ा आपका। यहाँ पे आपको अगर जो इसका पल्सेटर आप लोग देखते हो, एक्वाजेट पल्सेटर, जो पल्सेटर वॉश, पल्सेटर बेस वॉशिंग होती है इन मशीनों के अंदर टॉप लोड के अंदर, जो इसके अंदर ये जो टम्बलर, जो हम सिंपल भाषा के अंदर जैसे फ्रंट लोड देखते हैं उसमें टम्बल्स बने होते हैं, तो इस मशीन के अंदर ये जो इस तरीके के ही टम्बल्स हैं, ये जो है पैनासोनिक ने थोड़े ज़्यादा ऊँचे दे रखे हैं, बड़े दे रखे हैं, जिसकी वजह से कपड़ा अच्छे से स्क्रब होगा। यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके अंदर वॉशिंग क्वालिटी और इंक्रीज़ होती है। प्लस यहाँ पे एक एजी क्लीन भी दे रखा है। एजी क्लीन का बेनिफिट क्या होता है, एजी क्लीन का मतलब क्या होता है? एजी क्लीन का मतलब सीधा सीधा है कि सिल्वर वॉश, यहाँ पे आपको 99.9% बैक्टीरिया फ्री कपड़े मिल जाते हैं, जिसका यहाँ से ये जो ब्लेड्स लगा रखे हैं ना, यहाँ पे 6 ब्लेड्स वॉशिंग क्वालिटी इसके अंदर आपको मिलती है। तो यहाँ इसके नीचे जो है एक मतलब जो है इन्होंने एजी क्लीन टेक्नोलॉजी लगा रखी है, जिसके अंदर ये जो है 99.9% बैक्टीरिया फ्री कपड़े रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसके अंदर एक ये आप लोगों को टब के अंदर ही मिलता है, ये जो इसका नाम है यहाँ पे जेंटल हैंड वॉश, जेंटल हैंड वॉश यहाँ पे एक प्रोग्राम भी दे रखा है टॉप पे। तो इसका देखो हैंड वॉश से हमारे सीधे सीधे दिमाग के अंदर आता है कि हाथों से कपड़े धोना, लेकिन क्या है कि कुछ एक कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम हाथ से ही धोना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, तो पल्सेटर के साथ रगड़ मार के वो ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा रगड़ ना लग जाए। तो उसके लिए पैनासोनिक ने आपके कपड़ों को हाई मतलब ठीक रखने के लिए, लॉन्ग लाइफ रखने के लिए जेंटल हैंड वॉश दे रखा है। सभी कपड़ों के लिए अप्लाई नहीं होता, जो जिन कपड़ों के ऊपर वर्किंग हुई होती है, स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनके लिए बेसिकली होता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर लग जाता है भाई, ये देखो यहाँ पे इसके सिंपल सा इसका इंस्टॉलेशन का फीचर्स है, ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे इसके कट बने हुए हैं, जैसे आप रखोगे इसके अंदर इजीली आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या करता है, पल्सेटर की पहुँच से कपड़े को दूर करता है, ये इसका यही काम है बस। यहाँ पे आप कपड़े डालोगे इसके ऊपर, वो आपका पल्सेटर ये जो नीचे चक्रा सा घूमता है तो उससे दूर रखेगा, जिसकी वजह से आपका कपड़ा जो है थोड़ा सा ओवर केयर हो जाएगी और ज़्यादा रगड़ नहीं लगेगी, लॉन्ग लाइफ बना रहेगा। क्योंकि जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डेलिकेट होते हैं, उन कपड़ों के लिए ये होता है। इसको हम प्रोग्राम कैसे करते हैं, प्रोग्राम ऑन, बस मशीन को ऑन किया, अगर जो जेंटल हैंड वॉश यूज़ करना है ऑन किया, प्रोग्राम पे लेके आए, यहाँ पे आपको 6 नंबर पे लेके आना है, यहाँ ये दबाओगे प्रोग्राम, यहाँ पे नंबर्स आते हैं, जैसे 1 पे नॉर्मल है, 2 पे फेवरेट है, यहाँ पे वैसे ही नंबर्स आएगा। जेंटल हैंड वॉश के ऊपर लगा के आप स्टार्ट कर दीजिए, ये आपकी मशीन जो है जेंटल हैंड वॉश के साथ जो है प्रोग्राम हो जाती है मशीन। और मशीन के अंदर क्या फीचर्स आते हैं, इसके अंदर जो है ये सबसे बड़ा बेनिफिट मशीन के अंदर, मोस्ट ऑफ़ दी मशीनों के अंदर आपको हीटर नहीं मिलता, लेकिन इस मशीन के अंदर आप लोगों को हीटर भी मिल रहा है, बिल्ट इन हीटर है इस मशीन के अंदर, जो कि आपका यहाँ से आप प्रोग्राम कर सकते हो। नॉर्मल अगर जो प्रोग्राम पे आपको हीटर अप्लाई करना है तो आप यहाँ हॉट या वार्म दो तरह के प्रोग्राम आप कर सकते हो, बट जहाँ से ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है हीटर, आप प्रोग्राम यहाँ पे ये देखो, ये जो एरिया दे रखा है स्वेट सॉक्स कॉलर कफ करी और जम्स क्लीन, इनके ऊपर ऑटो मोड पे हीटर लगता है, जैसे आपके कपड़े उसके हिसाब से वार्म या हॉट ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेती है। कहने का मतलब है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है भाई लोगों, आपको इसके अंदर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किस कपड़े को हीटर चाहिए और किस कपड़े को नहीं। तो यहाँ पर ये आपका पानी गर्म करती है कपड़े के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे और क्या इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है, इसके अंदर सबसे बढ़िया फीचर आपको मिलता है इकोनॉमी। जैसे आजकल क्या है कि सभी मशीनें, सभी कंपनियाँ अब बिजली बचाने के ऊपर बात करती हैं, उसी की वजह से इनको ये स्टार रेटिंग मिलती है। बेसिकली वॉशिंग मशीन के अंदर स्टार लगे होते हैं वाटर सेविंग और बिजली सेविंग, इसी चीज़ को देख के इनको स्टार रेटिंग मिलती है। इकोनॉमी की बात कर रहा था भाइयों मैं, इकोनॉमी टेक्नोलॉजी जो है एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, डेली रूटीन के अंदर किस तरीके से आप मशीन को प्रोग्राम करते हो और उसी को सेंस करके ये बिजली की कंजप्शन अप टू 20% तक घटा देती है, जो कि इकोनॉमी कहलाती है। आजकल बहुत सारी मशीनें आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, अदर ब्रांड क्या करता है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देता है,
लेकिन पैनासोनिक अपनी खुद की टेक्नोलॉजी देता है, इकोनॉवी टेक्नोलॉजी। और क्या आपको एडवांस मिलता है भाई इस मशीन के अंदर? भाई स्मार्ट मशीन मिल जाती है आप लोगों को, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, ये स्मार्ट मशीन है। स्मार्ट मशीन का बेनिफिट क्या है? स्मार्ट मशीन के बहुत सारे बेनिफिट हैं यार। आप अपने इसको, जैसे कि स्मार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट, आपके घर में कोई माता है जिनको मशीन प्रोग्राम नहीं करनी आ रही है, और आप लोग गए हो शादी में या कहीं बाहर हो, घर में कोई आंटी है, उनको आपने जस्ट इतना सा बोलना है, सर्फ डालिए माता जी, कपड़े डाल दीजिए मशीन के अंदर, प्रोग्राम हम कर देंगे मशीन को, जो वहाँ पे स्विच लगा हुआ पीछे, बस उसको ऑन कर दीजिए। आप दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे इस मशीन को प्रोग्राम कर सकते हो। आपने जस्ट वहाँ पे इसके प्रोग्राम चुनने हैं कि कौन किस टाइप के आपने कपड़े डाले हैं, आपके मोबाइल में यूजर इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब का सब प्रोग्राम होता है मिराई ऐप के थ्रू, कनेक्ट एंड लिविंग, ये जो दे रखा है मिराई ऐप, आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से इसके लिए, ये स्मार्ट वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए भाई कंपलसरी है वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर इसको, क्योंकि ये जो आपका जो स्टोरेज रहेगी, प्रोग्रामिंग होती है, सारी की सारी क्लाउड बेस्ड रहती है। मिराई एक क्लाउड है ऑनलाइन, उसके ऊपर ये सारा का सारा डाटा जाता है, इसी वजह से आप कहीं से भी इस मशीन को प्रोग्राम कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जितने भी दे रखे हैं, ये सब के सब आप मिराई के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस मशीन के अंदर यार। इसके अलावा ये मशीन जो है ऑटो रीस्टार्ट आपको मिल जाती है। ऑटो रीस्टार्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो रीस्टार्ट पावर ऑफ। अगर जब बीच में लाइट चली जाती है, मान लीजिए बीच में आपने वॉशिंग के ऊपर लगा दिया था मशीन को, अब रिंसिंग के ऊपर आ रखी है मशीन, तो ये क्या करती है, जब लाइट गई दोबारा से लाइट आई तो ये रिंसिंग से ही स्टार्ट होगी मशीन। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अच्छा, इसकी मैं बीच में वॉशिंग के थोड़े से प्रोग्राम मैं आप लोगों को नहीं बताया, मैंने ये मेरे से स्किप हो गया था, सॉरी। वॉशिंग के अंदर क्या करती है मशीन, वॉशिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, लेकिन इसके अंदर जो पानी की कैपेसिटी, पानी जो लगता है वो भी बहुत कम है। वो पानी लगता कैसे कम है, इसके ऊपर क्या है कि देखो, जब ये वॉशिंग कर रही होती है मशीन, पूरा टब भरती है मशीन, जैसे कपड़ों के अकॉर्डिंगली आप 2 किलो कपड़े डालते हो उसके हिसाब से पानी भरती है, और अब फुल कैपेसिटी 8 kg कपड़े डालते हो तो 8 kg के हिसाब से फुल भरती है। तो इसके अंदर पहला तो टब हो गया पूरा, लेकिन जब ये खिंगालेगी दोबारा, जिसमें रिंस हम बोलते हैं, रिंसिंग करेगी, फर्स्ट रिंसिंग ये आपका शॉवर रिंसिंग करेगी। शॉवर रिंसिंग का बेनिफिट क्या है, जैसे आप देखो पानी की बाल्टी भरी, उससे नहाने लगोगे कि एक बार में जब आप पानी गिरोगे मग्गे भर भर के गिरोगे, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब उसके बाद आया शावर। शावर से अगर जो आप शावर ऑन करते हो तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इक्वली पानी गिरता है, पानी बहुत कम लगता है शावर के थ्रू। तो वही टेक्नोलॉजी पैनासोनिक ने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए दिया है, जिसमें फर्स्ट रिंसिंग जो है शावर रिंसिंग होती है, और यहाँ से तीन तरफ से पानी आता है, एक यहाँ से आता है, दो इस तरफ से भी आता है पानी इस मशीन के अंदर, जिसकी वजह से शावर रिंसिंग होती है और इस मशीन के अंदर पानी कम लगता है। सेकंड जो रिंसिंग होगी वो आपकी डीप रिंसिंग होगी। ये दो रिंसिंग इस मशीन के अंदर आता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर मशीन के अंदर पानी बहुत सारा आप लोगों का बच जाता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको वॉशिंग प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जो आपका हेल्प करते हैं, आपका टाइम भी बचाते हैं और आपके कपड़े की केयर भी करते हैं। नॉर्मल सभी नॉर्मल मिक्स कपड़ों के लिए आप नॉर्मल दे सकते हो, कुछ एक फेवरेट अपने मोड बना सकते हो इस मशीन के अंदर, या इको मतलब जो है आपका पानी भी कम ले और लाइट भी कम ले, और ये सारे के सारे ये फैक्टर रहते हैं इको मोड के ऊपर। यहाँ पे एक आता है क्विक मोड। क्विक मोड के ऊपर क्या होता है, मशीन के अंदर आप जैसे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो धोना चाहते हो तो इसमें कम से कम टाइम लगता है, रिफ्रेश करती है, जस्ट हाफ कैपेसिटी यूज़ होती है। कोई भी कंपनी ले लो हाफ कैपेसिटी, 8 kg की मशीन ले रहे हो, 4 kg आप कपड़े डाल सकते हो क्विक वॉश के ऊपर, तभी ये काम टाइम कम होता है। यहाँ पे सॉक भी एक फीचर है इसके अंदर, सॉकिंग करके रखती है मशीन। क्या होता है कि कुछ एक मैले कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हमारे खेस या कंबल वगैरह, चदरे वगैरह या कर्टन वगैरह, तो उनको हमें पहले क्या होता है कि डीप करके रखते थे, जब हाथों से हम कपड़े धोते थे, एक बाल्टी के अंदर भिगो के रख दिया सर्फ डाल के, और उसके बाद उनको मलते थे तो बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाते थे कपड़े, कम एफर्ट्स लगता था हमारा। वैसे ही कंपनी ने इसके अंदर सॉक सिस्टम दे रखा है, आप कपड़ों को पहले इसके अंदर सॉक मोड लगा के इसमें डीप
रखेगी अपने मशीन के अंदर। उसके बाद जैसे इसका सॉकिंग का टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद ये उसको वॉश करना स्टार्ट कर देगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी, स्पिन करेगी। ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। जेंटल हैंड वॉश आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। जींस अलग से मोड मिलता है, बेडशीट्स के लिए अलग मिलता है आप लोगों को। वाइट कोर्स जैसे कि कॉलर और कफ वाइट जो है मैले हो जाते हैं तो उनके लिए ये आ गया, वाइट कपड़ों के लिए आ गया। टब हाइजीन, हर मशीन को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे इसको तकरीबन 6 महीने 6-7 महीने के बाद आप ये टब क्लीनिंग पे ऊपर लगा सकते हो, जिसमें आपको ये एक यहाँ पे एक एंटी स्केल्टन रिमूवर करके सर्विस सेंटर से आप बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो वो आप डाल के इसमें टब क्लीन कर सकते हो इस मशीन का। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये प्रोग्राम दिखाए थे, स्वेट पसीने की स्मेल ज़्यादा होती है कपड़ों के लिए, सॉक्स ज़्यादा गंदी होती हैं तो उनके लिए हो गया। इसमें पानी गर्म होते हैं। कॉलर और कफ़ जैसे अभी मैंने आप लोगों को वाइट कोर्स के ऊपर बताया था, लेकिन ये कॉलर और कफ़ ज़्यादा मैले हो गए तो ये आप मोड लगा सकते हो। करी के दाग हैं, जम्स क्लीन है, इस बहुत सारे वॉशिंग प्रोग्राम इस मशीन के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। इसका जो स्टार रेटिंग भी जो है इस मशीन को 5 स्टार मिली हुई है। 5 स्टार क्या है कि क्यों मिली हुई है, एक तो बिजली की सेविंग बहुत कम है, दूसरा पानी की सेविंग भी, ये अप टू 20% पानी की सेविंग है इसके अंदर और अप टू 20% बिजली की सेविंग भी है इसके अंदर। ये पैनासोनिक जो आता है वो मेड इन जापान आता है, जापान का नंबर वन ब्रांड आता है, और रेगुलर जो वारंटी चलती है पैनासोनिक वॉशिंग मशीन की यहाँ टोटल 12 साल, जिसके अंदर 2 साल कंप्लीट चलती है और 10 साल मोटर के ऊपर मिलती है आपको, तो टोटल आप लोगों को ये वारंटी 12 साल मिल जाती है। लेकिन अभी जो है दिवाली की स्कीम्स जो है कंटिन्यू है, दिवाली ऑफ़र आता रहता है और बीच में भी ऑफ़र निकालती रहती है कंपनी, जिसमें एक कंप्रेसिव वारंटी आप लोगों को मिल जाती है 1 साल एक्स्ट्रा, टोटल 3 साल कंप्लीट वारंटी होगी, प्लस जो है आपको 9 साल मोटर के ऊपर वारंटी मिल जाती है, टोटल 12 साल की इसकी वारंटी आप लोगों को मिल जाती है। और जो कि पैनासोनिक जो है आप लोगों को पता ही है, सबसे मतलब एक जाना माना ब्रांड है, कोई मतलब छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ये जापानीज ब्रांड है जो कि स्टार्ट हुआ था 1918 से। और इसकी और बात करें तो यार पैनासोनिक मतलब आज का ब्रांड नहीं है, आप लोगों ने कभी सिंगल इसी टाइप की वॉशिंग मशीन सिंपल वाली सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करी होगी कभी आप लोग के मम्मी पापा ने, जो कि सिर्फ ओनली वॉश करती थी, नेशनल पैनासोनिक के नाम से आती थी, नेशनल अप्लायंसेस पैनासोनिक, जो कि कोलाब्रेशन था इंडिया के अंदर पैनासोनिक के आने का, तो तब भी मशीन सबसे पहली मशीन पैनासोनिक की आई थी, तो उस वक्त से लेके आज तक पैनासोनिक यहाँ तक पहुँची है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन बना रही है और इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेज आप लोगों को मैंने बताए हैं और बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को बताए हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट नहीं करके दिखा पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर जो पावर प्लग दे रखा है मशीन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हीटर है और हमारे पास यहाँ पे पावर प्लग नहीं है। बेसिकली इसको प्रोग्राम करना बड़ा इजी है, प्रोग्रामिंग मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस मशीन के अंदर प्रोग्राम करना, जस्ट आपने ऑन करना है मशीन को। प्रोग्राम ज़्यादातर नॉर्मली स्टार्ट करते हैं लोग, या फिर आपने प्रोग्राम सेट करना है तो यहाँ से प्रोग्राम पहले सेट कर लीजिए, क्विक पे धोना है या नॉर्मल पे धोना है या फिर इनमें से किसी पे, और सीधा आप लोगों ने कपड़े डालने हैं और स्टार्ट कर देना है मशीन को। पहले एक बार दोबारा से बता दो, पहले कपड़े डालने होते हैं, सर्फ डालने होते हैं, सर्फ आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को एक्टिव फॉर्म सिस्टम यूज़ करना है तो यहाँ पे डाल दीजिए सर्फ, अगर जो नॉर्मली कपड़े हैं तो फिर यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये सिस्टम है देखो मशीन का, कपड़े डाले, ऑन किया, प्रोग्राम सेलेक्ट किया और स्टार्ट करना है, जस्ट सारा का सारा काम मशीन ने खुद बहुत करना था, धोना कि गालना सुखाना। तो मशीन आप लोगों को कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यार, उसके लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, नए नए जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं उसका रिव्यू और डेमो वगैरह हम सब कुछ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। इनकेस कोई भी कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो हमारी शॉप से या कहीं से भी आप लोग लेते हो तो उसके लिए कोई भी हेल्प चाहिए, वैसे सतीश भाई उसके लिए मतलब जो है हर कमेंट का आप लोगों को जवाब देते हैं और जहाँ तक हो सकता है हम प्रॉब्लम का आप लोगों को सोल्यूशन देते हैं, तो आप कमेंट में पूछिए और हम लोग जो है आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे। तो यार चलो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो पे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसके लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना जितना हो सके, और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।